Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I'm going to cover part 4, best 1000 current affairs from January to August 2022. इससे पहले 3 parts upload हो चुके हैं, उनके links आपको description में मिल जाएंगे. वाले एक playlist भी create कर दिया गया है, वहां से जाके आप सारे videos को systematically watch कर सकते हो. For PDF of this video, आप हमारे Telegram group Next Exam IQ को join कर सकते हो, जिसका link आपको description में मिल जाएगा. टेलीग्राम पे आपको इन वीडियोस के पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिए जाते हैं. तो शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर डिले इंपॉर्टेंट पार्ट 4 ऑफ बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स ऑफ 2022. सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4th का फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. तो कौन प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए ये आपने बताना है. सो ऑप्शंस आपके सामने, मैं जैसे हर वीडियो में आपसे कहता हूं कि आप इन वीडियोस को इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट भी ले सकते हो, सो डैट कि आपको पता भी चलेगी ऑलरेडी आप लोग कितना कितनी चीजें आपको ऑलरेडी आती हैं. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टी राजा कुमार. ओके, टी राजा कुमार. वेल, नाम से आपको ये लग रहा होगा कि इंडिया के, बट नो, ये सिंगापुर के हैं. तो ये आपने जरूर ध्यान रखना है. FATF के हेडक्वार्टर्स आपसे एग्जामिनर अगर पूछ ले, पेरिस में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिल जाएंगे, यानी कि फ्रांस की कैपिटल पेरिस में. आगे बढ़ते हैं. Who amongst the following was awarded with Ayurveda Ratna Award by UK Parliament? तो हमारे इंडियन हैं जिन्हें आयुर्वेद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया UK Parliament द्वारा. आपको बता रहे हैं इनका नाम क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर इज डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वेल, एक चीज मैं कहूँ, देखो मैं जितने भी क्वेश्चन ला रहा हूँ इस सीरीज में, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इनको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे. मैं इतना भी कहूंगा कि जो भी स्टूडेंट सीरियसली सीरीज को वॉच कर रहे हैं, टिल एंड सारी सीरीज को वॉच करेंगे, सो लेट मी अश्योर यू वन थिंग, करंट अफेयर सेक्शन में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी. सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने अगर पढ़े होंगे तो एग्जाम में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. ओके, तो आप इसे शेयर भी जरूर करेंगे एंड एटलीस्ट आपको इसको लाइक जरूर करना. आप वीडियो को लाइक करते हो तो मेरे लिए एक काफी एक मोटिवेशन आप समझ सकते हो, बिकॉज इन सारे कंटेंट को बनाना काफी टाइम लगता है. तो इन रिटर्न आप इतना जरूर करा करें, वीडियो को लाइक जरूर करा करें. दिस इज अ थिंग आप हमारे लिए इतना कर सकते हो. बाकी इन रिटर्न आपको बेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे एंड डेली मिलेंगे, अब कोई भी ब्रेक नहीं आएगा. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF द्वारा. कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जो काम कर रहा है अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ नार्कोटिक्स थ्रू रेल. ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑपरेशन जीरो, ऑपरेशन नार्कोज, ऑपरेशन ब्लैक, ऑपरेशन कैच. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑपरेशन नार्कोज. ओके, तो ये आपने याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज बिकेम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल. तो इसराइल के 14th प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं ये आपने बताना है. नेफ्ताली बेनेट इससे पहले थे, नाउ जो 14th बने हैं वो है यार लैपिड. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. एग्जाम में कई बारी आपसे इसराइल की कैपिटल जेरूसलम है, न्यू इसराइल शेकल उसकी करेंसी है, नेसेट पार्लियामेंट का नाम है, डाइट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान. पॉलिटिकल पार्टी भी कई बारी पूछ लेता है एग्जामिनर की, बताओ जी पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है इनकी. तो यस, एटेड जो पॉलिटिकल पार्टी है जायर लैपिड की. तो ये आपको इतना याद रखना है. आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली 2022 नाटो समिट, नाटो के हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में आपको मिलेंगे, वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. तो कहां पे हुआ ये नाटो समिट 2022? सो द कंट्री इज स्पेन. आगे बढ़ते हैं. हु रोट द बायोग्राफी ऑफ रतन टाटा, टाइटल रतन एंड टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी. तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये किसके द्वारा लिखी गई ये आपने बताना है. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज थॉमस मैथ्यूज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते, रेयर एल्बिनो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, एक क्रोकोडाइल है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो देखा गया पटरकनिका भितरकनिका नेशनल पार्क में. तो आपको ये पूछ रहा है कि ये भितरकनिका नेशनल पार्क कौन से इंडियन स्टेट में है. दिस इज द क्वेश्चन. जिस स्टेट के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, तो हम बात कर रहे हैं उड़ीसा. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 10th चेयरमैन ऑफ इसरो. तो इसरो के 10वें चेयरमैन के सिवान को इन्होंने रिप्लेस किया था, इनका नाम है एस सोमनाथ, याद रखें. रिसेंटली हु अमंगस्ट द फॉलोइंग हैज टेकन एज द ओथ एज द 20th चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र. तो 20वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है इन्होंने, आपको बताना है जी इनका नाम क्या है. तो इनका नाम है जी एकनाथ शिंदे. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वेल देखो, यहां मैं बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं करता, क्योंकि हमारा एक
लाइक आप कह सकते हो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट आप ले सकते हो, बाकी डेली करंट अफेयर्स में स्टार्ट कर चुका हूँ, वहाँ जितने भी रेलिवेंट चीज़ें इसके रिलेटेड रहती हैं क्वेश्चंस के वो आपको शेयर किए जाते हैं, बट ये क्विक रिवीजन आपका रहेगा जिसमें आपके बेस्ट 1000 करंट अफेयर जल्दी से जल्दी कवर होंगे। द आसाम गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू इंक्रीज द साइज ऑफ विच नेशनल पार्क मोर देन थ्राइस ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग साइज फॉर कंजर्विंग गारियल्स। गारियल्स आप लाइक जैसे आपने क्रोकोडाइल देखे ना, तो वैसे ही गारियल्स भी होते हैं इसी टाइप के, तो इसको बचाने के लिए बढ़ाएगा, साइज 3 गुना बढ़ने वाला इस नेशनल पार्क का साइज। आपको बताने की किसकी बात कर रहे हैं, तो हम बात करें ओरंग नेशनल पार्क की। ओरंग नेशनल पार्क इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर इन द मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे मेड अप ऑफ अनयूजुअल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन। तो काफी एक लंबा सा स्ट्रक्चर है जो मिल्की वे में डिस्कवर किया गया, जो लाइक अनयूजुअल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन से बना, तो आपको इसका नाम दिया गया साइंटिस्ट द्वारा। देखो आपने अगर ये चीज सुनी होगी ना, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन आपने अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आपने ऐसे जनरली ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होगा, बट अभी आपने एक बारी सुन ली तो फॉर श्योर एग्जाम में आया गया ना ये क्वेश्चन, तो आप 100% मार्क करके आएंगे। तो इस अनयूजुअल क्लाउड जो देखे गए उसका नाम रखा गया मैगी। अब नहीं आप भूलेंगे मैगी, ओके। तो अगर नहीं पता होगा तो फिर 4 में से 1 कितनी प्रोबेबिलिटी बनेगी, 25% आप ठीक करेंगे, बट अगर आपने सुन लिया तो 95% चांसेस हैं कि आप रिकॉल जरूर कर पाएंगे एग्जाम में। तो इसीलिए देखो चीजों को एक दो बारी सुना पढ़ा भी हो तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगी। रिसेंटली एक फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल हैज बीन अपॉइंटेड एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो किस बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं, ये हुए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको बीजिंग में मिलेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट विच डे एज वीर बाल दिवस। तो कौन सी डेट को हम वीर बाल दिवस हर साल ऑब्जर्व करेंगे ये डिसाइड किया गया। सो डेट इज 26 दिसंबर, ओके 26 दिसंबर ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट डे है 26 दिसंबर याद रखना, ओके। एंड इसके एग्जैक्टली एक दिन बाद इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तो वो भी डिसाइड किया गया। तो दो इंपॉर्टेंट डेज रोज रोज में वीर बाल दिवस एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, तो वो ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाएंगे। लाइक वीर बाल दिवस हमारा इंडिया में ऑब्जर्व करेंगे हम। हु विल बी द पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज, तो इनका नाम क्या है ये आपने बताना है, ये हैं जी आयशा मलिक, याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम बिहार सेकेंड टाइगर रिजर्व इन द रिसेंट टाइम्स। रिसेंट टाइम में बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व कौन सा बना है, फर्स्ट टाइगर रिजर्व कौन सा था बिहार का, वाल्मीकि नेशनल पार्क, नाउ द सेकेंड विल बी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये आपने याद रखें, सेकेंड टाइगर रिजर्व जो बिहार का कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फर्स्ट वन इज वाल्मीकि। एंड बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी 8वीं बारी मुख्यमंत्री बने हैं, 22 साल उनका कार्यकाल हो चुका है। विच बैंक हैज साइंड क्रिकेटर शिफाली वर्मा एज बैंक एंडोर्सर, तो ये है जी दिस बैंक इज बैंक ऑफ बड़ौदा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल मैथमेटिशियन वॉज अवॉर्डेड एज द प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल 2022, मेकिंग हर ओनली द सेकेंड वुमेन टू रिसीव दिस अवार्ड। शी इज फ्रॉम यूक्रेन, हर नेम इज मार्निया वैसोवका। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड यू नो सेकेंड वुमेन बनी, तो फर्स्ट वुमेन भी देखो ना, कहीं ना कहीं इनका बिल्कुल आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको जरूर इसके दोनों नाम एक साथ देखने को मिलेंगे। सो जो फर्स्ट वुमेन बनी थी मारियम मिर्जा खानी, जो 2014 यानी कि 2014 में ईरान की थी, ये आप याद। जो फर्स्ट वुमेन बनी थी वो ईरान से थी, एंड नाउ जो 2022 में मायराना वैसोवस्का, ये यूक्रेन की हैं, तो ये आप याद रखें। Recently, the first edition of State Ranking Index of National Food Security Act, National Food Security Act की first like ranking निकाली गई। So this was the first time. Which of the following state secured first position among the general states category? तो first position पे रहा जी उड़ीसा, ये आप याद रखें। आगे बढ़ते हैं। Recently, which of the following has launched a portal जिसका नाम है परीक्षा संगम to streamline examination results, sample papers and other details in one single window. So ये CBSE द्वारा launch किया गया, CBSE, and presently CBSE की जो chairperson है वो निधि छिब्बर, वो आप नाम याद रखें। Recently, whom amongst the following has set a new national record in the women's 3000 meter event at Sunset Tour in लॉस एंजल्स 2022। वर्ल्ड रिकॉर्ड, नेशनल रिकॉर्ड बेसिकली सेटअप किया गया।
सो इन्होंने जो 3000 मीटर जो पूरे किए वो 8 मिनट 57 सेकेंड एंड 90.91 नैनो सेकेंड्स में कवर किए। ओके तो ये रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया ये आपने याद रखना है, पारुल चौधरी। नाम आपसे एग्जाम में नाम पूछा जा सकता है, वेल इट्स रेयर कि बिल्कुल टाइमिंग पूछ लें, ये इवेंट पूछ सकते हैं, नाम पूछा जा सकता है, ये आप याद रखें। हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज वॉन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस 2022, तो ये टाइटल मिला है सिनी शेट्टी को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च पैन इंडिया टू टैकल पिंक बॉल वॉर्म इन कॉटन, तो इस डिजीज से बचने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया पैन इंडिया यानी कि ऑल ओवर इंडिया। सो इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट बंधन। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। रिसेंटली हु अमंग्स द फॉलोइंग मैन पोल वॉल्ट एथलीट, ये इन्होंने एक रिकॉर्ड क्रिएट किया ऑफ क्लियरिंग 6.16 मीटर एट स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022, तो इनका नाम आपने बताना है, पोल वॉल्ट जो हाइट आप लोग जंप वैसे करते हैं उस टाइप का, तो ये इनका नाम क्या है, आर्मंड डुप्लेंटिस, इनका नाम आपने याद रखना है एंड इनकी नेशनैलिटी भी याद रखें, यहां मैंने ब्रैकेट में लिख दिया स्वीडन। ओके रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनवील्ड 30 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ अलूरी सीतारामू राजू इन भीमावरुण टाउन आंध्र प्रदेश। अलूरी सीतारामू राजू किसके रिलेटेड थे, किस फील्ड, मतलब आपको बताना है कि किस एजिटेशन, किस प्रोटेस्ट के रिलेटेड। 1992 का रंपा रेबेलियन, बेसिकली इन शॉर्ट बताऊंगा, जो ब्रिटिश राज चल रहा था उस टाइम, जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उस टाइम की मद्रास में, तो जो ब्रिटिश कम्युनिटीज थी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी ट्राइबल कम्युनिटीज को, उनके अपने ही जो एरिया था, उनके अपने फॉरेस्ट, उनका फ्री मूवमेंट पे रोक लगा दी थी। तो इन्होंने जो बेसिकली अलूरी सीतारमन राजू ने लाइक अनशन पे बैठे थे, इस तरीके का प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा था, तो यही आपसे पूछ रहा है, इनके रिलेटेड फील्ड पूछ रहा है, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनका एक स्टैचू, ब्रॉन्ज स्टैचू बनाया था, बेसिकली इनकी डेथ भी हो गई थी, तो रंपा रेबेलियन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लैंड द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस, तो इस बुक के ऑथर कौन है ये आपने बताना है, तो इस बुक के ऑथर है राहुल रामागुंदन। सो डेट्स ऑल, ये हो गया जी हमारा आज पार्ट 4 कंप्लीट। उम्मीद करूंगा आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। देखो आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को अपने लाइक करना है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके लाइक्स इज ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स मी टू अपलोड दिस वीडियो कंटिन्यूसली। वेल कंटिन्यूसली तो मैं अपलोड करूंगा, बिकॉज जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं अगेन इतना कहूंगा कि अगर आप सीरियसली वॉच कर रहे हो, देखो इसमें मैं करवा क्या रहा हूँ, किस तरीके से आपके करंट अफेयर्स आपके कवर हो रहे हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने जनवरी से शुरुआत किया, देखो आज 4 पार्ट हो चुके हैं, लगभग हमारे 100 क्वेश्चंस होने वाले, अराउंड 90 क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो ये 90 क्वेश्चंस अभी तक आपने सिर्फ जनवरी मंथ के ही किए, इतना मैं आपको बता दूं। अब इसके बाद लगभग 120 तक एक पार्ट और ट्राई करूंगा कि मैं जनवरी का ले लूँ, क्योंकि एग्जाम आपके, आई डोंट नो कि आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, बट इतना है कि अगर आपके, जैसे अगर मैं J&K एग्जाम्स की बात करूँ, जो अक्टूबर में एग्जाम कुछ होने वाले हैं या जब भी हैं, तो लगभग हम 1 महीने के अंदर हम पूरे 6 महीने को कवर कर लेंगे। अभी अगस्त को मैं मंथली कवर करवा दूंगा, जुलाई को मैं इस फॉर्मेट में करवाऊंगा, अगस्त को जैसे अगस्त खत्म होता तो मैं आपको मंथली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। वेल टारगेट मेरा है कि बिल्कुल जब भी आपका एग्जाम हो तब तक हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखें एंड पूरे अपडेटेड करंट अफेयर इन द फॉर्म ऑफ रीजन आपके कवर करवाते रहूं मैं, तो ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। आप लोग सपोर्ट बनाए रखें, PDF ऑलरेडी बता चुका हूँ, टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम आई को ज्वाइन कर लो, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।